7 2019 को बहुजन वुड की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुजन मीडिया के साथियों के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी सम्मानित साथियों को सनिवेदन ये सूचित किया जाता है कि द ग्रेट लीडर कांसीराम फिल्म के डायरेक्टर माननीय श्री अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में एक आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है, जिसका नाम बहुजन वुड रखा गया है। और बहुजन वुड सभी प्रकार के कलाकारों को उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। बहुजन समाज के ज्वलंत एवं जरूरी मुद्दों पर व बहुजन समाज की महान विभूतियों पर फिल्म एवं शॉर्ट फिल्म व डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आगे काम करेगा, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी आशान्वित है। तथा आने वाले समय में बहुजन वुड के डायरेक्टर श्री अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में 6 फिल्म बनाने का काम भी शुरू होगा। अतः आप सभी से विनम्रता से ये सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 जुलाई 2019 को समय 1 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफ़ी मार्ग केंद्रीय सचिवालय नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर बहुजन वुड का लॉन्चिंग कार्यक्रम जारी होगा और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुजन वुड के इस ऐतिहासिक क्षण को आप अपना अमूल्य समय देकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा गौरवशाली बनाने में सहयोग दें और आगे बहुजन वुड के बारे में जो भी जानकारी है वो डायरेक्टर साहब आपको देंगे। जय भीम सभी को। आप पूछ सकते हैं कुछ भी। आप स्टार्ट करो, आपको जैसे करें। अच्छा, सबसे पहले बहुजन मीडिया का और जितने भी बहुजन चिंतक हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे बुलाने पर वो सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और कई बार इकट्ठा हुए हैं। आज बहुजन वुड के मौके पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए मैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम फिल्म कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों का कहना था कि फिल्म में सबसे ज़्यादा बाहर के आर्टिस्ट लिए गए हैं। अगर हम लोग सारे जो आर्टिस्ट हैं बहुजन समाज के वो उसमें उनको मौका मिलता तो अच्छा होता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे उनको जोड़ सकें। तो एक दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जिससे हम अपने सारे बहुजन समाज के आर्टिस्टों को जोड़ सकें कि एक गलती हुई हमसे, आने वाले समय में कम से कम हमारे कलाकारों के द्वारा हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुजन वुड का गठन किया गया और बहुजन वुड का गठन करने के बाद एक लोगों को पता चले, कलाकारों को पता चले, इसलिए मीडिया और ये एक प्रोग्राम अरेंज किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है 25 जुलाई को। तो मैं उसी बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है और मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुजन समाज के जो कलाकार हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, वो बहुजन वुड से जुड़ें ताकि हम आने वाली 6 फिल्मों में उनको मौका दे सकें, काम दे सकें और बहुजन संस्कृति जो धरोहर है जिसको लोगों ने इग्नोर कर दिया है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं, 2% 10% युवा हैं 100 में से जो बुक्स पढ़ते हैं महापुरुषों के बारे में, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग हैं जो फिल्में वीडियो देखना पसंद करते हैं। अगर हम अपनी विचारधारा को वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में लेके जाते हैं तो हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो मिशन है, हमारा महापुरुषों का जो मैसेज है वो हम आम लोगों तक बड़ी आसानी से लेके जा पाएंगे। जिन लोगों को पढ़ना भी नहीं आता वो भी वीडियो देख के महापुरुषों के बारे में जान सकेंगे और जो हमारा जो दिमाग होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, वो पिक्चर में सोचता है। मैंने जितने लोगों को बुलाया है जब भी मैं उनको याद करूँगा तो उनका फ़ोटो मेरे दिमाग में आएगा, ना कि उनका नाम लिखा हुआ। तो पिक्चर एक जो है या फिल्म या डॉक्यूमेंट्री वो इतना प्रभाव छोड़ती है समाज के ऊपर कि उससे लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाना, उनकी विचारधारा को पहुंचाना बहुत आसान है। अब अर्जुन सिंह जी, जिस तरीके से आपने ग्रेट कांसीराम मूवी लॉन्च की थी उससे आपको कितना रिस्पॉन्स मिला? पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और पब्लिक का इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था कि मैंने सोचा नहीं था कभी। लेकिन जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल में रिलीज किया था फिल्म को, उस समय शायद प्रमोशन के लिए हमारे पास इतना फंड नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए उसके बारे में, तो उस समय थोड़ा सा रिस्पॉन्स ठीक नहीं था, लेकिन यूट्यूब पर रिलीज करने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स था। तो आप इसे बहुजन ही संगठन क्यों नाम रखना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई नाम आपकी समझ में क्यों नहीं आया? बहुजन वुड इसलिए रखा है कि बुद्ध का जो मैसेज था वो बहुजन को यूनाइटेड करने, बहुजन को ऊपर उठाने का काम उन्होंने किया था। उसके बाद बाबा साहब ने भी बहुजनों को ऊपर ले जाने का काम किया था और उसके बाद मान्यवर साहब ने भी बहुजनों को ले जाने का काम किया। तो बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड तो हम हो नहीं सकते, तो कम से कम कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते, तो उन्हीं को कॉपी करके हम अपने बहुजन समाज के लोगों को आगे ले जाने का कार्य करें। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन लगा दिया, मान्यवर कांसीराम साहब ने पूरा जीवन लगा दिया
और जो महापुरुष इस जमीन पर पैदा हुए, उन्हें पूरा जीवन लगा दिया, उन्हें जो रास्ता चाहिए था वो रास्ता यानी वो मिशन नहीं मिल पाया, क्या आप उस मिशन को पूरा कर पाएंगे? कोशिश है हम लोग, मैं मतलब मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, ना मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं सिर्फ फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, और उनके माध्यम से अगर लोग समाज अवेयर होता है तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी। और उसमें से 0.1% मैं प्रयास करूँगा कि मान्यवर साहब और बाबा साहब के नक्शे कदम पर चल पाऊँ। आपने जो बहुजन वुड बनाया है उसमें सिर्फ बहुजनों को ही एंट्री है या अदर्स भी आ सकते हैं उसमें? उसमें बहुजनों को ही एंट्री है, 85% लोगों को एंट्री है, क्योंकि और लोग हमारे साथ वैसे भी नहीं आएंगे, ऑलरेडी वो स्थापित हैं, स्टार बन चुके हैं, ठीक है, तो स्टार लोग हमारे साथ वैसे भी नहीं आएंगे, और अगर कोई आता है तो उस पर विचार किया जाएगा, पूरा बहुजन बोर्ड की जो पूरी टीम है, कोर टीम, उनसे आगे आने वाले समय में डिस्कशन किया जाएगा, तो वो भी प्रयास रहेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुजन समाज के जो आप 85% की बात कर रहे हैं वो लोग इतने सक्षम है कि आपके साथ कैमरा मैनिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, साउंड के लिए, सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए और एक्टिंग के लिए पूर्ण तरीके से रहेंगे वो? बिल्कुल, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो इतने क्रिएटिव हैं, गांव से हैं, जंगल से, जहाँ पर लाइट भी नहीं है, वो इतने क्रिएटिव हैं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है ना उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, और मुझे एक छोटा सा मौका मिल गया, मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग छोटे छोटे शहरों में, मैं खुद गाँव से आता हूँ, मतलब मेरी एज 10 साल थी तब मेरे गांव में लाइट आई है, ठीक है, मैं ऐसे गांव से आता हूं, ग्वालियर से, तो जब मैं गांव से, मैं आके एक छोटे से गांव से ये कर सकता हूं, तो जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो जिनको पता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मौका मिलने की बात है, तो वही कलाकारों को मौका देने के लिए हम लोगों ने पहल की। क्या टैलेंटेड लोगों को आप कुछ आर्थिक रूप से भी सहयोग करेंगे या नहीं, उनसे वॉलंटियरी लेंगे? मैं एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको रनिंग कर जाते हैं, जैसे 6 फिल्मों का हमने प्लान किया, अगर हम इनको बना के रनिंग कर जाते हैं, और जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेजॉन प्राइम है, वैसे ही ये बहुजन बोर्ड पर हम अपनी फिल्म को लेके आते हैं, अगर उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, तो हम ज़रूरतमंदों को हेल्प करेंगे पैसे से, और वही 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 पैसे से हम उन जो काम करेंगे हमारे साथ, हम उनको, चाहे कैमरामैन हो, एडिटर हो, वो, अब मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मैं खुद है ना कैसे पैसा अरेंज करके कर रहा हूँ, लेकिन अगर अच्छा रिस्पांस रहा और हम लोगों ने पैसा कमाया तो हम बाकी लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो अर्जुन सिंह जिस तरीके से ग्रेट कांसीराम आपने जो मूवी लॉन्च की थी, तो अभी जैसे पैसे की बात आ रही है और फंडिंग की बात आ रही है, क्या जो आपकी जो लागत थी उससे पूरी हो पाई, या मतलब नहीं? नहीं, वो जो लागत हम लोगों ने लगाई थी वो दरअसल लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा फिल्म देखने का, इतने कॉल्स आए, मेल आए, इतने मैसेज आए, कि वो पैसा तो रिकवर नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन उससे बहुत कुछ हम लोगों ने पा लिया, आप जैसे लोग हम मुझे मिल गए, मैं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, तो ये सबसे बड़ी बात है, एक बहुजन मीडिया एक परिवार है, ऐसे एक जो लोग सोशल हैं, जो एक्टर हैं, एक पूरा समूह बन चुका है, तो ये कोई 50 लाख रुपये भी ख़त्म कर देगा तब भी इतना बड़ा समूह नहीं बना सकता, उनके बीच में लोग मिल के नहीं रह सकते, हम लोग रोज़ बात करते हैं, रोज़ मिलते हैं, कुछ नया प्लान करते हैं, गौतम जी के साथ भी मैं मिलता रहता हूँ, तो पैसे से ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो पैसा जो लगाया था हमने उसमें से 60% पैसा रिकवर हुआ है, 40% नहीं हुआ। अभी आर्थिक रूप की अगर बात की जाए तो बहुजन बोर्ड के लिए उस पैसे की व्यवस्था किस तरीके से कर पाएंगे, क्या आप आज इस सोशल मीडिया के जरिए से कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? सोशल मीडिया के थ्रू मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो लोग बहुजन समाज में कुछ नए लोग हैं या नया कुछ करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैंने एक फिल्म की है, लोगों को पसंद है, नहीं पसंद है, ज़्यादातर लोगों को पसंद है, तो अगर उनको लगता है कि मैंने एक फिल्म की, एक प्रूफ के तौर पे मैंने किया है कुछ, तो वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू मुझसे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल तौर पे भी जुड़ना चाहता है कि भाई मैं तो इस आपके कॉन्सेप्ट में एज अ को प्रोड्यूसर या फाइनेंसर जुड़ना चाहता हूँ, मुझे उससे क्या रेवेन्यू मिलेगा, तो वो भी हम लोगों ने सुविधा रखी है, अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो भी। नहीं, जैसे बहुजन वुड की बात की जाए, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि उसको आर्थिक रूप से जैसे मदद कर सकते हैं, कि अगर कोई फिल्म बिजनेस कर जाती है तो उसका रेवेन्यू जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, जो लोग हमारे साथ को प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ते हैं, जो फाइनेंस करते हैं, उसमें से जो भी रेवेन्यू होगा एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि भाई ये आप इतना पैसा लगा रहे हो, इसमें इतनी मेहनत है, ये परसेंटेज आपको जाएगा, तो वो जुड़ सकते हैं हमसे डायरेक्टली।
अर्जुन, आजकल फिल्में बनती हैं, बॉलीवुड 5000 से ज़्यादा फिल्में बनाता है साल में जी, और कंटेंट यूट्यूब पे और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बेतहाशा कंटेंट है जी। आपका जो कंटेंट है वो कैसे अलग होगा, आप अपनी कैसे जगह बनाएंगे? हमारा जो कॉन्सेप्ट है उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता, हमारे जो मुद्दे हैं उन पर कोई फिल्में नहीं बनाता। तो अभी जैसे मुद्दों को ख़राब करने के लिए ना बड़े बड़े डायरेक्टर्स और फाइनेंसरों ने स्टार्ट किया है, जैसे आपने आर्टिकल 15 देखी होगी, ठीक है, आर्टिकल 15 में है ना उन्होंने है ना एक साउंड हीरो को प्रेजेंट किया है आपके सामने, जबकि ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में, सब जानते हैं। दूसरा उसमें एक ये भी था कि एक यंग युवा जो आपके हक के लिए लड़ना चाहता है उसका एनकाउंटर करवा दिया, उसमें मैसेज दिया है कि आप अगर अपने समाज की आवाज़ उठाओगे तो मार दिए जाओगे, ठीक है, तो ये डिमोलाइज करने के लिए सिनेमा के द्वारा, ठीक है। दूसरा एक उसमें ये दिखाया है कि एक पुलिस वाला के थ्रू उस डायरेक्टर ने अनुभव सिन्हा ने मैसेज दिया है कि ये लोग जब सत्ता में होते हैं तब तो ये पार्क वगैरह बनाने में, मूर्तियां बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा जब ये सत्ता से हट जाते हैं तब दलित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहन जी ने जो पार्क बनाया है मायावती जी ने वो उस पर वो निशाना करते हैं। दूसरा उसमें एक ये दिखाया है, एक पुलिस वाला गाली का मतलब नहीं समझता, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, ऐसा कोई होता है कि इंस्पेक्टर को गाली का मतलब नहीं पता, अनपढ़ बच्चे को भी उस गाली का मतलब पता होगा, मैं ले नहीं सकता ऑन द कैमरा, लेकिन है ना उसमें ये दिखाया है कि आप रिजर्वेशन से चुन के आए हो, आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, ठीक है। जबकि एक और जो मुंशी उसमें बना हुआ है वो सिविल ड्रेस में रहता है, वो उसको पता है, एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं साथ में, लेकिन वो लाला है, उसको पता है। तो उसमें कहीं ना कहीं है ना डिमोलाइज और हंसते हैं लोग, मुझे बड़ा बुरा लगा उस फिल्म को देखते हुए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।